हमने नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज कमीशन। अभी हम बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार कल बख्तियारपुर पहुंचे थे और जिस तरीके की घटना कल घटी है उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक छोटू नाम का शख्स आता है और सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को देखते हुए उन पर प्रहार कर देता है, तो यह घटना काफी निंदनीय है। जिसको लेकर के आज बख्तियारपुर में बंद भी बुलाया गया था। लोग जो थे स्वतः बंद किए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हैं इस घटना से। लेकिन अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर से। यही उनका पैतृक आवास है। बचपन में वो यहाँ रहा करते थे। हालांकि इसको अब रिनोवेट किया गया है, इसको नए तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसका आकार आधार वही पुराना है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ रहते हैं और यही उनका आवास है जिसको पैतृक आवास कहते हैं। देखिए किस प्रकार से पुराने अंदाज में इसे बनाया गया है। वही काट काठी उसी का रूप दिया गया है। कहीं ना कहीं दर्शाया गया है उसको कि किस प्रकार से जो उनका पहले घर था। हालांकि इन सब चीज़ से परे कल जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं पूरे बख्तियारपुर नहीं पूरे बिहार जो है इस पर संस्कार है। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार, सीएम एक अहम पद होता है, सीएम का पद एक अहम होता है। कुछ उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ आते हैं और आते हैं तो क्या माहौल रहता है। क्या नाम है आपका? राजीव जी, ये बताइए कि सीएम नीतीश कुमार यहाँ आते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है? बहुत खुशी माहौल रहता है। हाँ, पूरी एकदम खुशी रहते हैं। अच्छा, अभी सब सब कुछ सब कुछ सब अमूमन आते हैं तो इसी आवाज़ पर ठहरते हैं, यहीं ठहरना होता है। कल की जो घटना हुई उस पर क्या कुछ कहें? कल मुख्यमंत्री आए थे, कल हम लोग का इतना खुशी का उल्लास था। और जो कल उन्होंने दिल खोल के जो मैंने सब पब्लिक से आम परिवार से एक आम आप मिलते हैं, हम लोग उनको भगवानों का दर्जा देते हैं। बख्तियारपुर के सीएम नहीं, हम लोग भगवान है हुए और उनके साथ ऐसा मानिए घटना कहीं ना कहीं प्रसादन तो चुप है। ये बताइए, आप लोग पड़ोसी हैं, सीएम आते हैं तो कैसा माहौल होता है? सीएम के आने के बाद जैसे मानिए कि एक तरह का क्वारंटाइन फेस्टिवल लोगों के मन में खुशी का पौधा है, तो बाहर फैल जाता है और लोग उनके इंतजार के लिए काफ़ी देर वीडियो करो देखो उनको देख लिए। और आने के बाद सब लोग बहुत खुश थे। सूर्य का प्रोग्राम गए ही गए, अचानक ये हम लोग को सामने पता चला कि कल से इतने मतलब अंदर से देखते हैं कि हमारे सीएम भगवान के सामने में दुकान हुआ। बख्तियारपुर में इतना बड़ा सौगात देने जा रहे हैं और आने वाले समय के राष्ट्रपति का सारा पुण्य किसी को बोलेंगे नहीं। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा मतलब निर्णय रहता है। सुरक्षा के लिए आपको एकदम उदकना पड़ेगा। कोई राजनीतिक मनसा भी तो हो सकती है? हाँ, राजनीतिक मनसा देखिए, हम लोग तो अंदर गए हुए नहीं। देखिए, ये जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। अपना बिछुप है, दिमाग से बिछुप है, क्या है उसका तो देखिए। ये लोग जो है आम लोग, हम लोग इनके पड़ोसी, ठीक है। नीतीश कुमार का जब भी यहाँ आना होता है, जब भी नीतीश कुमार यहाँ आते हैं तो एक पर्व जैसा माहौल बन जाता है। पूरा बख्तियारपुर उनको अपने भगवान के रूप में देखता है, एक भगवान का रूप उनको देखता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है इस बख्तियारपुर के लिए, अपने इस गाँव के लिए, अपने इस आवास के लिए, अपने इस घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने लोगों के लिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की घटना कल घटी उससे पूरा बख्तियारपुर आहत दिखाई दे रहा है, शर्मसार दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको सीएम नीतीश कुमार के घर के बाहर से, किस प्रकार से क्या कुछ कहना था उनके पड़ोसी का, क्या कुछ कह रहे थे उनके परिजन, उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने लोग। और भी अपडेट देंगे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।